पोको F1 के लिए माइंड एडिशन यानी कि MIUI 13 माइंड एडिशन का एक न्यू बिल्ड हमें देखने को मिल जाता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 12 पे। और इसके अंदर आपको जो है क्या कुछ मिलने वाला है उन सभी के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ साथ इंस्टॉलेशन भी रहेगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आप जो है वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हम इसके अंदर क्या कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप अगर इसके सेटिंग्स देखोगे तो ऊपर आपको MI अकाउंट देखने को मिल जाता है बिल्कुल टॉप पे। वहीं हम माई डिवाइस में चलते हैं तो ये माइंड एडिशन का ऑफिशियल बिल्ड देखने को हमें मिल जाता है। अगर हम इसके ऑल स्पेक्स में चलते हैं तो यहाँ पे ऑल स्पेक्स के अंदर जाने के बाद आपको दिखा दूँ तो एंड्रॉयड वर्जन 12 मिलता है और यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी पैच है अगस्त 2022 का मिल जाता है और यहाँ पे वर्जन देखोगे MIUI माइंड एडिशन का 22.9.4 मिल जाता है। वैसे इसके अंदर आपको GenOS का R21 कर्नल मिल जाता है। इसके अंदर बाइट आपका जो सेलिनक्स है इन्फोर्सिंग मिलता है, जैसे कि बताया गया इसके अंदर आप जो है स्टॉक कर्नल यूज़ करें, चेंज ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर यहाँ पर आपका जो है माइंड लैब मिल जाता है जिसमें पूरी कस्टमाइजेशन आपको इसकी देखने को मिल जाती है, जैसे कि कंट्रोल सेंटर के लिए दिया गया है तो आप कुछ भी यहाँ पर सेटिंग्स करते हो तो अप्लाई पे आप क्लिक कर सकते हो तो अप्लाई हो जाएगा सभी जगह। तो जैसे कि यहाँ पे ब्लर के लिए दिया गया है कंट्रोल सेंटर के, और साथ साथ यहाँ पे जो टाइल्स हैं तो जैसे फर्स्ट पे सेकंड पे क्या टाइल होना चाहिए वो सब भी आप यहाँ से सेट कर पाओगे। MI स्मार्ट पे प्ले भी मिल जाएगा यहीं पे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो है ब्लर मिल जाता है वॉल्यूम पैनल के लिए, और साथ साथ वोल्टी आइकन आप इनेबल कर पाओगे। एंड स्टेटस बार में आपको स्टाइल थोड़े बहुत चेंज करने हैं तो दो स्टाइल मिल जाते हैं तो उसमें भी आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप ऊपर देखोगे तो हल्का सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से स्टेटस बार के स्टाइल को भी चेंज कर पाओगे इसके थ्रू। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। वहीं फिर नीचे आपको ये जो मिलने वाला है ये आपके ओल्ड वाले के लिए है। यहाँ पे बताया भी गया है कि ओल्ड के लिए बिग टाइल या फिर टॉगल या फिर ब्राइटनेस बार को आप कंट्रोल करना चाहो यानी कि कस्टमाइज़ करना चाहो तो वहाँ से आप कर पाओगे। तो ये ओल्ड वाले के लिए दिया गया, जो सबसे लास्ट में आपको ये मिलता है ये आपका ओल्ड जो स्टेटस बार है उसके लिए है। वहीं लॉन्चर के अंदर भी रिबूट लॉन्चर मिलता है, यानी कि सेटिंग में कुछ भी आप छिड़कानी जो भी करो अप्लाई करने के लिए रिबूट लॉन्चर कर देना, अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ब्लर हो गया सर्च बार पर, आइकन शैडो हो गया, एंड विजेट्स जो कि स्टोर आप इनेबल कर पाओगे, को बैक प्रीव्यू हो गया जो कि अगर हम बैक करते थोड़ी देर थोड़ा सा जैसे बैक होता है प्रीव्यू वाले ऐप पे चला जाता है। एंड एनिमेशन स्पीड्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, सिंपल एनिमेशन हो गया। रीसेंट कॉर्नर रेडियस कितना होना चाहिए वो भी कंट्रोल कर पाओगे, रीसेंट का ब्लर लेवल भी, और साथ साथ स्टेटस बार को हाइड कर सकते हो रीसेंट पे। ऐप टाइटल जो है उनको भी हाइड कर पाओगे, साथ साथ क्लियर बटन को भी आप चाहो तो हाइड कर सकते हो रीसेंट के अंदर में। तो ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे फिर आपको यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं ऐप आइकन के लिए, जिन पे आइकन के जो टाइटल कलर हैं उनका आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। कलर आप देख सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए, आइकन टाइटल जो साइज़ है हो गया, हाइड आइकन लेवल हो गया, एंड यहाँ पे लेवल इन सिंगल लाइन हो गया, हाइड विजेट्स नेम हो गया, ये सब आप हाइड कर पाओगे। नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाता है फोल्डर के लिए, और साथ साथ यहाँ पर भी ओपन जो फोल्डर टाइटल कलर है वो भी चेंज कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फोल्डर से रिलेटेड मिल जाती है, जैसे ब्लर आप इनेबल कर पाओगे फोल्डर में, ऑटोमेटिक क्लोज फोल्डर हो गया, बाउंस इफेक्ट फोल्डर हो गया। तो ये आपको जो यहाँ पे फोल्डर मिलते हैं इस तरीके के जो फोल्डर हैं देख सकते हो, बाउंस इफेक्ट मिल जाता है, बैकग्राउंड में ब्लर भी आप चाहो तो इनेबल कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये सब जो है फोल्डर के लिए देखने को मिल जाता है। नीचे फिर यहाँ पे डॉक के लिए दिया गया कि डॉक पे आपको कितने आइकन चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर पाओगे। एंड वहीं नेटवर्क के अंदर जाते हो तो स्मार्ट नेटवर्क मिल जाता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेटवर्क टाइप व्हेन वाईफाई इन इनेबल, नेटवर्क टाइप व्हेन मोबाइल से अगर आप अपनी कॉलिंग वॉलिंग करते हो तो उस टाइम डाटा आपका ऑफ नहीं होना चाहिए, सब चीज़ भी आपको यहीं पे मिल जाती है। वहीं नोटिफिकेशन के अंदर आपका OS स्टाइल नोटिफिकेशन आप इनेबल कर सकते हो, इसके अंदर में ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशन भी आप इनेबल कर पाओगे, नोटिफिकेशन आइकन कितने होने चाहिए स्टेटस बार पे वो भी आप चूज़ कर पाओगे। एंड iOS स्टाइल लॉक स्क्रीन भी आप इनेबल कर पाओगे इसके अंदर में, तो ये चीज़ भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको अभी दिखा दूँ तो आप देखोगे तो जो क्लॉक है वो आपको सेंटर पे अब देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा बहुत चेंजेस आपको यहाँ पे मिलता है, उतना ज़्यादा भी फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा कि प्योर iOS ही देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं रहता, थोड़ा बहुत आपको जो चेंज है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और नीचे फिर सो ऑलवेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। बाकी फिर म्यूजिक हो गया, म्यूजिक मैनेजमेंट के लिए दिया गया ये आपका, एंड डायलर हो गया तो यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए मिल जाता है। बाकी इन कॉल UI कलर आपका कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाओगे, यानी कि कस्टम कलर आप लगा पाओगे। किसी कॉल आता है तो उसके बैकग्राउंड पूरा आपका अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। मैक्सिमम कॉल ब्राइटनेस, इन कॉल जो UI ब्लर है वो भी सेलेक्ट कर पाओगे, ट्रांसपेरेंसी को भी आप कंट्रोल कर पाओगे, और यहाँ पे कॉल फॉर
कलरफुल कॉल्स के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि न्यू कॉन्टैक्ट का कलर कैसा होना चाहिए, इन कॉल कलर कैसा होना चाहिए एंड आउटगोइंग कॉलिंग का कलर कैसा होना चाहिए, वो सब अपने हिसाब से आप सेट कर पाओगे यहाँ से। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर अदर में आपको थीम स्टोर मिल जाता है, जो कि सर्वर आप चेंज कर सकते हो थीम स्टोर का। तो मैं यहाँ पे चल के आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जो है थीम स्टोर हमारा है। तो अभी जैसे कि इंडियन यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो पूरा ग्लोबल वाला हमें देखने को मिल रहा है, कोई भी चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे बाकी कंट्री के भी कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं, DPI चेंज कर पाओगे, पिक्चर इन पिक्चर साइज़ भी है। एक्स्ट्रा डिम कंट्रोल की बात करें तो आप जो ब्राइटनेस का बिल्कुल लो कर देते हो, उसके बाद और भी आपका लो करना है तो आप एक्स्ट्रा डिम के थ्रू कर पाओगे, लेकिन जब भी आप इसे जो है अपने डिवाइस को रिबूट करो तो एक बार इसे ऑफ करके ऑन कर लेना, तभी जो है ये सही से काम करेगा। जितनी बार रिबूट करोगे उतनी बार आपको इसे जो है ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ करके ऑन, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप आपको मिल जाता है, सक्सेसफुल अनलॉक वाइब्रेशन मिल जाएगा एंड अनलॉक फेल्ड पे भी वाइब्रेशन मिल जाएगा फिंगरप्रिंट पे। बाकी आपका चार्जिंग एनिमेशन तीनों देखने के यहाँ पे मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। कनेक्शन एंड शेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो कास्ट बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, फर्स्ट टाइम पे ही कनेक्ट हो गया है तो आपका वर्किंग रहने वाला, वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट तो आपका काम करते ही यहाँ पे। एंड वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर अगर हम चलते हैं तो वॉलपेपर आपको सुपर वॉलपेपर तो मिल ही जाता है, बाकी यहाँ पे नॉर्मल जो वॉलपेपर्स हैं वो भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। फिर यहीं पे नीचे जो है थीम स्टोर मिल जाएगा, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि सर्वर आप चेंज कर पाओगे, वैसे इंपोर्ट आप यहाँ से कर सकते हो इसके अंदर में, तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और फिर यहीं पे नीचे जो है लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे भी आपको जो है डबल टैप वाला जो दिया गया है डबल टैप टू बैक, इसके लिए भी आप जब भी अपने डिवाइस को रिबूट करोगे तो एक बार इसको ऑफ करके ऑन कर लेना ताकि ये काम करे, नहीं तो ऐसे काम नहीं करने वाला जब आप रिबूट कर दोगे डिवाइस को, तो एक बार इसको भी ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। नीचे फिर चार्जिंग इनोवेशन इन सब आपको मिलेगा। डिस्प्ले के अंदर में रीडिंग मोड हमारा काम कर रहा है, कलर स्कीम भी बिल्कुल वर्किंग है, और AI जो इमेज इंजन वाला देखने को इसके अंदर मिलता है ये मेरे हिसाब से काम नहीं करता, ट्राई किया बट कुछ फ़र्क मुझे देखने को नहीं मिल रहा था, तो मेरे हिसाब से ये जो है हमारे डिवाइस के लिए काम नहीं करने वाला है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे ये अदर डिवाइस से पोर्ट किया गया है तो अब हमारे में जो है ये फिलहाल ही काम नहीं करता ऐड किया गया यहाँ पे। तो बाकी रोटेशन ये सब काम करता है। वहीं साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें तो नॉर्मली साउंड इफेक्ट हो, साउंड असिस्टेंट ये सब आपको मिल जाता है एंड इसके अंदर आपको एडिशनल सेटिंग्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एंड साउंड इफेक्ट भी आपका वर्किंग रहने वाला, बस आपको ईयरफोन लगाना है उसके बाद आप यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है साउंड इफेक्ट आपका, तो इसका यूज़ आप कर पाओगे। वहीं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में कंट्रोल सेंटर स्टाइल के लिए आपको मिल जाता है, ओल्ड एंड न्यू के लिए साइड आप यहीं चेंज कर पाओगे। वहीं अगर आप इसके स्टेटस बार वाले और सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर आप जो है कनेक्शन स्पीड को इनेबल कर पाओगे, और यहीं पे जो है हाइड नॉच का भी ऑप्शन हमें मिलता है, जिसके थ्रू जो है हम अपने नॉच को हाइड कर पाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट जो है हाइड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड होम स्क्रीन मिल जाता है, जिसके अंदर आपका सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जेस्चर या फिर बटन आप यूज़ कर पाओगे। हाँ बिल्कुल प्योर स्मूथ मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, हल्के फुल्के लैग करता है, थोड़े बहुत आपको लैग देखने को मिलते हैं UI के अंदर में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्मूथ ही आपको मिलेगा, लेकिन काफ़ी कम है, उतनी हैवी नहीं देखने को मिलते, लेकिन लैग आपको मिलेगा, प्योर स्मूथ नहीं रहता है। बाकी बटन जेस्चर आप यूज़ कर पाओगे, सर्च बार आप चेंज कर सकते हो, एनिमेशन स्पीड भी यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, डबल टैप लॉक स्क्रीन हो गया। अरेंज आइटम इन रीसेंट में अगर आप जाते हो तो इसके अंदर आपको जो है आई स्टाइल हो गया, क्यूब हो गया, ये सब जो है एनिमेशन आप अपने रीसेंट पे लगा सकते हो, तो ये चीज़ आपको देखने को इसके अंदर में यहाँ पे मिल जाती, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये आप चेंज कर पाओगे। उससे पहले भी जब माइंड रीसेंट किया था तो सारी सेटिंग्स आपको मिलती थी, ये वाली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली के लिए भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड पे आपका जो रीसेंट है कैसा होना चाहिए वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इसके अंदर। फिर यहाँ पे हम बात करें, अब मेन जो यहाँ पे मेरे को जो प्रॉब्लम आई, हालांकि आपको नहीं आने वाली, मैं पहले बता दे रहा हूँ ये चीज़ कि सिक्योरिटी के अंदर मेरा यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक काम नहीं कर रहा किसी रीज़न की वजह से, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले ही कंफर्म कर दूँ कि आपका ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपका काम करने वाला आई और फेस अनलॉक भी काम करता है, बाद में बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो उसकी वजह से मेरा काम नहीं करता, बट आपका वर्किंग रहने वाला है। दो तीन लोगों से भी पूछा जो फ्लश किए थे, काम कर रहा है, ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेरे में हुआ था, इसलिए इसे आप इग्नोर करो, आपका जो आई एयर फेस अनलॉक है वर्किंग है इसके अंदर, फिंगरप्रिंट वो भी आपको इसके अंदर वर्किंग मिल जाता है। उसे रोम की बात करें तो रोम आपका बाय डिफॉल्ट जो है आपका डिक्रिप्टेड मिल जाता है, यानी कि नॉट इनक्रिप्टेड यहाँ पे रहने वाला है। एंड वहीं सेफ्टी इमरजेंसी मिल जाएगा, प्राइवेसी इंडिकेटर हो गया। बैटरी की बात करें तो बैटरी वैसे ज़्यादा आपको एकदम तगड़ी वाली तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक बैटरी बैकअप आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वैसे नहीं होगी। बाकी ऑप्टिमाइज चार्जिंग ये सब आपको मिल जाता है, चार्जिंग बूस्ट तो हमारे काम का नहीं है,
बाकी ऑप्टिमाइज चार्जिंग ये मिल जाएगा। और बैटरी जैसे कि बताया आपको यहाँ पर ठीक ठाक बैटरी मिल जाती है, बिल्कुल लो भी नहीं है और बिल्कुल हाई भी नहीं मिलेगी। ऐप्स के अंदर में आपका डुअल ऐप लुक दोनों काम करता है, चेक किया दोनों काम कर अच्छी तरीके से। और फिर यहाँ पर अगर हम चले एडिशनल सेटिंग्स की तरफ तो यहाँ पर लैंग्वेज आपको दिखा दूँ, तो इसके अंदर लैंग्वेज आपको जो ग्लोबल में मिलती है वही लैंग्वेज मिलने वाली है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी ग्लोबल लैंग्वेज आपको देखने को इसके अंदर में मिल जाती है। इसमें कमी फिलहाल लैंग्वेज को लेकर के नहीं होने वाली है। और अगर आप रीजन चेंज करना चाहो वो भी चेंज कर सकते हो। एलईडी लाइट भी आपकी काम करती है, क्लियर स्पीकर भी मिल जाता है, डस्ट वस्ट क्लियर करना हल्के फुल्के। एंड मेमोरी एक्सटेंशन में आपको 1 GB तक का यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन भी देखने को इसके अंदर में मिल जाता है। और फिर स्क्रीन टाइम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे फोकस मोड स्क्रीन टाइम डैशबोर्ड जो हमारा है काम कर रहा है। एंड स्पेशल फीचर में जो साइड बार आपको मिलता है इसके अंदर, ये लेटेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, बता रहा है ये प्रेस होल्ड करके आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हो, इसको लेटेस्ट रहेगा। फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा और सेकेंड स्पेस भी यहीं पर हमें देखने को मिल जाता है। फिर बाकी अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग्स लास्ट में आपको मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं ऐप बोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, बट इसके जो विजेट्स हैं कुछ आपको चाइनीज़ में देखने को मिलेंगे। और अगर आप होम स्क्रीन वाले भी विजेट्स पर जाते हो तो वो भी आपको लेटेस्ट ही मिलता है, बट इसके अंदर भी आपको देखोगे कुछ चाइनीज़ में ही देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है कंट्रोल सेंटर एक बार दिखा दूँ, एक बार मैं आपको इसका जो मोनेट है वो बता दूँ कि मोनेट जो है यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर पे भी ये जो है अप्लाई हुआ पड़ा है, वॉल्यूम पैनल पे भी रहता है, बाकी एप्लीकेशन पे भी दिखा दूँ अगर प्ले स्टोर पर भी तो प्ले स्टोर पर भी है, कीबोर्ड पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो मोनेट है आपका बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आपके MIUI की जगह पर भी काम कर रहा है और साथ ही साथ आपके गूगल वाले एप्लीकेशन पर भी काम कर जा रहा है हमारा मोनेट। बाकी जो कंट्रोल सेंटर हमें इसके अंदर मिलता है काफ़ी स्मूद है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई फिलहाल दिक्कत नहीं मिली है। एडिट पे उतना कुछ खास आपको नहीं मिलता, परफॉर्मेंस मोड है, मीडिया प्लेयर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। वहीं वॉल्यूम पैनल देखोगे तो वॉल्यूम पैनल पे भी जैसे कि अप्लाई रहता है और 4 पैनल के साथ हमें वॉल्यूम पैनल मिलता है। और जो पावर मेन्यू है ये 3 पैनल के साथ मिल जाता है, तो तीनों ऑप्शन से यहाँ पे स्लाइड करके आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे करना है, तो 3 पैनल के साथ आता है। और जो हमारा ऐप ओपनिंग है इसके अंदर में आपको थोड़े बहुत जो है लैग्स, UI लैग जो है वो देखने को मिलते हैं। हाँ इतने हैवी नहीं है कि आपको दिक्कत ही देंगे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐप्स पे काफ़ी स्मूथ होगा, लेकिन कुछ थोड़े जो हैवी एप्लीकेशन होते हैं उन पे आपको ज़रूर थोड़े बहुत UI लैग देखने को मिल जाती है। फुल एनिमेशन रेट रहेगा। वहीं रैम की बात करें तो 6 GB वाला वेरियंट है, तो 3.2 GB करीब तक फ्री हमें देखने को इसके अंदर मिल जा रहा है। अगर हम कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग में हमारा वॉल्टी काम करे, कैरियर वीडियो कॉल वर्किंग मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है, ब्लूटूथ ऑडियो मीडियन कॉलिंग दोनों पर अच्छे तरीके से काम कर जा रहा है। और जो हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और कॉल रिकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, तो कॉलिंग तो आपकी परफेक्ट यहाँ पे रहने वाली है। फिर यहाँ पे चले कैमरे की तरफ, तब यहाँ पे MIUI 12 वाला कैमरा मिल जाता है, AI भी उसे काम कर रहा है। बाकी डिवाइस वाटरमार्क आपको अगर ऑन करना है तो सेटिंग से आप ऑन कर लेना, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है और आपका जो डिवाइस वाटरमार्क है ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर जाता है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो पोर्ट्रेट मोड है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करे। हाँ यहाँ पे कुछ मिसिंग की अगर बात करें तो मोर के अंदर जाओगे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्लो मोशन देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि उसको एंड्रॉइड 12 पे ज़्यादातर में देखोगे रिमूव किया गया यहाँ पे उस तरीके से। बाकी आपका ये परफेक्ट रहने वाला, बस स्लो मोशन रिमूव हुआ पड़ा है। और जो वीडियो क्वालिटी है 4K 60 FPS तक हमें मिल जाती है। और यहाँ पे गूगल कैमरा आप मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हो, 8.6 भी जो है अच्छे से काम कर जा रहा है, स्लो मोशन को उस पर भी छोड़ दें। एंड ओके गूगल आपका काम करता है स्क्रीन ऑफ एंड ऑन दोनों पे, बाकी FM काम कर जाता है। गैलरी इसके अंदर आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें सारे फिल्टर्स आपको लेटेस्ट मिलेंगे। एंड इसके अंदर जो आपका स्काई के ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाता है, तो गैलरी पूरी लेटेस्ट देखने के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं मिलती। और जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर भी आपको बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेफ्टी नेट के पास के साथ आता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका जो सेफ्टी नेट पास है तो बैंकिंग ऐप भी आप आराम से यूज़ कर पाओगे। और टूल्स के अंदर में यहाँ पे अगर हम चले स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ, तो इसकी क्वालिटी सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 100 Mbps तक के मिल जाते हो, जो फ्रेम रेट है वो आपको 60 FPS तक देखने के यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आप देखोगे तो गूगल फोटो भी मैं इंस्टॉल क्योंकि जैसे कि इसके अंदर बताया गया अनलिमिटेड स्टोरेज के बारे में, पर MIUI पे ज़्यादातर पे अगर आप देखोगे बताया भी जाता है फिर भी स्टोरेज पे ही अपलोड होता है, तो उसके लिए आपको अलग से एक पैच फ्लश करना पड़ता है तभी ये प्रॉपर काम करता है, तो उसी तरीके से आपको ये मिलता है। बाकी एंटूडस को देखोगे तो 4,28,155 हमें मिल जाता है। वहीं अगर हम CPU थ्रोटल देखें तो 87% जो है मैक्स परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और जो गीगबेंच स्कोर है सिंगल पे 511 मिल जाता है, वहीं मल्टी के अंदर में 2187 तक जो है हमें यहाँ पे देखने को ये जो है मिल जाता है।
अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंस्टॉलेशन समझा देता हूँ कि आप जो है अगर किसी MIUI ROM पे हो तो सिंपली आप उसके पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर जाना, देन उसके प्राइवेसी में जाना है और आपको चेक करना है इंक्रिप्शन को कि आपका जो फ़ोन है इंक्रिप्टेड है नॉट इंक्रिप्टेड है। जैसे कि मेरा नॉट इंक्रिप्टेड है, अगर आपका इंक्रिप्टेड है तो उसमें सिर्फ इंक्रिप्टेड लिखा रहेगा। तो ये चीज़ चेक कर लेना। अगर आप कोई कस्टम ROM भी यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको सिक्योरिटी में ही नीचे देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप इंक्रिप्टेड हुए फिर आपको सारा डाटा कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, इसलिए सारा डाटा पहले ही कॉपी आप कर लेना। उसके बाद कोई भी स्क्रीन लॉक लगा रखे हो उसको हो सके तो रिमूव कर लेना। देन आप कोई MI अकाउंट यूज़ कर रहे हो या फिर कोई गूगल अकाउंट लॉगिन कर रखे हो उसको भी आप रिमूव कर लेना। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको सिर्फ रोम करना है यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद आपको सिंपली अपने फ़ोन को ऑफ कर देना है एंड वॉल्यूम अप एंड पावर डाउन को थोड़ी देर होल्ड करके रखना। जैसे फ़ोन का लोगो आएगा आपको छोड़ देना, आप अपनी रिकवरी पे बूट कर जाओगे या फिर जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ, अगर आप किसी रोम पे हो रिबूट और रिकवरी का ऑप्शन आ जाता है उस पर तो आप उससे भी डायरेक्ट रिकवरी पे जा सकते हो। एंड रिकवरी के अंदर आने के बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जो है सिस्टम EXT वाली जो रिकवरी है वही यूज़ करना है। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको रिकवरी दे दूंगा, तो किसी रिकवरी पे रहो तो सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना। एंड उसके बाद आपको जाना होगा इसके वाइप के अंदर में, तो सिंपली यहाँ पे आपको वाइप पे जाना है और वाइप पे जाके एडवांस वाइप पे जाना और यहाँ से डॉल्विक डेटा कैच सिस्टम सिस्टम EXT एंड वेंडर, ये 6 ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करके यहाँ से स्वाइप टू वाइप आपको कर देना, जो कि मैं नहीं कर रहा सब समझा रहा आपको। तो ये चीज़ें आपको वाइप कर देनी है। उसके बाद आपको इंस्टॉल पे जा करके अपना जो रोम है सिंपली इसको आपको इंस्टॉल यहाँ पे कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है, लेफ्ट साइड में वाइप कैच आएगा रोम फ्लश होने के बाद, तो उसको कर देना एंड रिबूट सिस्टम पे क्लिक, ऑल ऑफ करना रोम फ्लश होने के बाद जो नॉट इंक्रिप्टेड से आए। अगर आप नॉट इंक्रिप्टेड से आए हो तो रोम फ्लश करने के बाद रिबूट डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी इंक्रिप्टेड रोम से आए हो तो रोम फ्लश होने के बाद रिबूट नहीं करना है, आपको वापस फॉर्मेट डाटा पे जाना होगा, वाइप पे जाना होगा, फॉर्मेट डाटा पे जाना होगा और यहाँ पे यस लिखना होगा और यस लिखने के बाद फॉर्मेट करना होगा, उसके बाद जो है रिबूट करना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है आप रोम को आराम से इंस्टॉल कर पाओगे इसके अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड आपका जो बूट लोगो है कुछ इस तरीके से रहता है, उसके बाद अपना सेटअप वटअप आप कंप्लीट कर लेना। तो इस तरीके से आपको जो है रोम है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे हम बात करें गेम टर्बो के बारे में। सबसे पहले तो लेटेस्ट OS गेम टर्बो आपको मिल जाता है, वॉइस चेंजर बिल्कुल वर्किंग रहेगा तो वॉइस चेंजर आपका काम करता है इसके अंदर। वहीं हम देखें गेमिंग मोड तो यहाँ पे मिल जाता है, बैलेंस या परफॉर्मेंस तो आप परफॉर्मेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। वहीं ग्राफिक की तरफ चलते हैं तो हमें जो है यहाँ पे ग्राफिक मिलता है स्मूथ पे, एक्सट्रीम, बैलेंस पे, अल्ट्रा, HD पे, अल्ट्रा, HDR पे, अल्ट्रा तक। तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले हैं। और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये भी फिलहाल अगर आप देखोगे पोको F1 के हिसाब से आपको ठीक परफॉर्मेंस मिल जाती है, ज़्यादा बेटर भी नहीं है। अब जैसे कि ASP रोम जो है MIUI के हिसाब से बेटर ही देखने को मिलती हैं, तब काफ़ी लोग ASP यूज़र होते हैं, काफ़ी MIUI लेवर भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है फिलहाल MIUI के हिसाब से अगर अभी एंड्रॉइड 12 पे आप देखोगे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है इसके अंदर में, लेकिन आप ASP रोम से कंपेयर मत करना क्योंकि ASP जो है थोड़ी सा आपको बेटर परफॉर्मेंस दे देती है अगर आप देखोगे MIUI के हिसाब से। तो ये चीज़ें भी हैं जो कि आप अगर ASP यूज़ करते हो तो आपको ज़रूर यहाँ पर उतनी अच्छी साध ना लगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको लैगिंग तो देखने को मिलती है, क्लोज रेंज फाइट होने लग जाएगी उस टाइम पे आपको फ़र्क पता चलेगा। ऐसे नॉर्मली आपको उतना कुछ खास नहीं, काफ़ी हल्के फुल्के ही फ़र्क देखने को मिल जाता है, उतना हैवी कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली, तो परफॉर्मेंस के मामले में एक तरीके से बैलेंस है, ज़्यादा उतना अच्छा नहीं आपको ख़राब कैटेगरी में मिलेगा। और जो बैटरी है वो भी जैसे कि बताया ठीक ठाक ही मिलती है, वो भी आपकी बैलेंस एक तरीके से समझ लो कि उसी तरीके से मिल रही है। इस बैटरी भी आपको ना ही ज़्यादा ख़राब मिलती, ना ही ज़्यादा तगड़ी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि आपको बताया जो सिक्योरिटी के अंदर मेरा फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक काम नहीं कर रहा है उसको आप इग्नोर माना, क्योंकि आपका वो काम करने वाला है, मेरे में कुछ इश्यूज हुए तो उसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था, बाकी आपका ये जो है वर्किंग रहने वाला है। IR फेस अनलॉक भी काम करता है और फिंगरप्रिंट भी आपका वर्किंग रहने वाला है। तो यही था आज की इस वीडियो में, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स for watching.